हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी एक शेयर कर रही हूँ, जो कि हमने रागी फ्लोर और होल व्हीट आटे से बनाई है। ये है रागी आटा और होल व्हीट आटे की जो है हमने ब्रेड बनाई है, जो कि आप सूप के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं एज ए ब्रेकफास्ट और टी टाइम। बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है ये ब्रेड, बिल्कुल इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा फैट्स कुछ नहीं मैंने डाला है इसमें। हमने ग्रीन्स यूज़ की हैं अपनी, मेथी है, धनिया है, हरी मिर्ची है, और ये कुछ सीड्स हैं, तिल है। इट इज़ रियली वेरी न्यूट्रिशियस। अगर आप इसको ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी ये जो है बहुत अच्छा एक डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड यू कैन हैव वाइल यू आर डाइटिंग, ताकि आपके पेट में जो है मैदा नाम की कोई चीज़ नहीं जाएगी, और ब्रेड के नाम पर आप ब्रेड भी खा सकते हैं, प्लस खराब चीज़ भी नहीं खाएंगे आप। तो आइए देखते हैं कि भाई कैसे बनाएंगे ये बढ़िया सी जो है। ये देखिए, इसमें मैंने बनाई थी, और ये एयर फ्रायर में मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा टोस्ट किया है, बहुत यम्मी बनी है। देखिए कैसे बनाते हैं हम रागी फ्लोर और होल व्हीट आटे की ग्रीन मसाला ब्रेड। तो आज हम बनाएंगे रागी और आटे से ब्रेड, या बन बोल सकते हैं, या आप उसको सूप के साथ खाने के लिए स्टिक्स बना सकते हैं, मतलब कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। बेक करके और ईस्ट यूज करके हम बनाएंगे रागी और होल व्हीट आटे से ब्रेड। मतलब ब्रेड हम पूरी एक लोफ नहीं बनाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कैसे करना है। और इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं डाली कि आपको अलग से कुछ लाना पड़ेगा। देखिए ये जो है मैंने रागी ली है, रागी अराउंड 60 ग्राम्स रागी पाउडर है, अराउंड 60 to 70 ग्राम्स आटा पाउडर है, मतलब 60 to 70 ग्राम्स आप दोनों चीज ले सकते हैं। अगर आप एक कटोरी देखेंगे तो इस कटोरी में जैसे एक कटोरी हमने ये रागी पाउडर ले लिया है, और एक ही कटोरी हमने ये आटा ले लिया है। आप आटे की जगह आधा आटा आधा बेसन भी ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हमने देखिए मेथी ली है, बिल्कुल फ्रेश वाली मेथी जो आती है बाजार से लाते हैं हमने, वो एक कटोरी या एक मुट्ठी आप मेथी ले लीजिए। एक मुट्ठी हमने धनिया ले लिया है, इन दोनों को काट के धो के अच्छे से, मिट्टी विट्टी नहीं हो इतना हमने ले लिया, एक एक मुट्ठी धनिया और मेथी ले लिया। अब इसकी जगह थोड़ी सी बेसिल अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप धनिया की जगह बेसिल यूज कर सकते हैं थोड़ी सी, और अगर आपने बेसिल भी डालनी है तो इसमें 6-7 पत्ते बेसिल के कट करके छोटे छोटे भी ऐड कर सकते हैं। पूरी ग्रीन ग्रीन्स जो है पत्ते वाली चीज ना डाल के आप ये एक रागी और होल व्हीट आटे की ब्रेड बना सकते हैं। साथ में हमने इसके लिए देखिए ये मैंने लहसुन लिया, जो कि ऑप्शनल है अगर आपको लहसुन नहीं खाते हैं, यू कैन जस्ट अवॉइड गार्लिक। और ये जिंजर मैंने लिया है, ये जैसे लहसुन है ये 4-5 तुरियों को छोटा छोटा कट कर लिया है, या आप ग्रेट कर सकते हैं, या आप पेस्ट ले सकते हैं। पेस्ट लेंगे तो आधी छोटी चम्मच पेस्ट ले लीजिए, नहीं अगर लेना है तो मत लीजिए। और ये जिंजर है, जिंजर आधा इंच टुकड़ा हमने ग्रेट कर लिया है, और अगर आपके पास पाउडर है पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर जो फ्रेश का टेस्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, तो इसलिए मैंने जो है ये 1/2 चम्मच ग्रेट कर लिया है फ्रेश जिंजर को, अच्छे से धोया पहले और फिर छिलका निकाल के उसको ग्रेट किया है। ये 2 हरी मिर्ची हमने ले ली है, छोटी छोटी कट करी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का फ्लेवर जो आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब नॉर्मल ब्रेड से आपको ये ब्रेड जो है बहुत डिफरेंट लगेगी, मसाला ब्रेड इसको आप भी आप कह सकते हैं, ग्रीन मसाला ब्रेड, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। थोड़ा सा हमने नमक लिया है 1/2 टीस्पून फॉर द टेस्ट, बिकॉज नमक भी जरूरी होता है इसमें। और ये जो है ये हमारी है ओरिगेनो, ओरिगेनो मैंने 1/2 चम्मच लिया, ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं लेना चाहते आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये 1 चम्मच चीनी ली है, पाउडर चीनी ले सकते हैं, ब्राउन चीनी ले सकते हैं, या गुड़ ले सकते हैं, या अगर नहीं आपको डालनी है तो आप ये चीनी बिल्कुल एब्सोल्युटली अवॉइड भी कर सकते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ये क्योंकि हम थोड़ा ब्रेड वाला बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा स्वीटनर भी डालते हैं कुछ स्वीट, ताकि ईस्ट को भी ईजी होता है उसको राइज होने देने के लिए। प्लस ये 1 चम्मच खाली रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे पास ईस्ट है जो मैं बॉटल में भर के रखती हूँ। ईस्ट देखिये इस तरीके का ये ईस्ट है, और ये ईस्ट जो है ये इस क्वालिटी का, देखिए क्वालिटी का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है ये। ये पैकेट आप देख सकते हो इसमें, दिस इज द पैकेट आई यूज, इट इज वेरी वेरी हैंडी, बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये है, देख सकते हैं आप इसको, इसमें जो भी आप देखना चाहते हैं, ये इस तरह का ये ड्राई ईस्ट है, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ओके,
यही मैं यूज करती हूँ। ये बहुत, ये 25 ग्राम्स का ये पैकेट है, काफी होता है। लेकिन इस जो रेसिपी में है इसमें हमने करीब 4 ग्राम्स ईस्ट डालना है, तो इसीलिए ये जो चम्मच मैंने खाली रखा है तो ये 3/4 चम्मच भर के जो है ये ईस्ट हम इसमें डालते हैं। और इस ईस्ट को जो है आपने अलग से दूध चीनी में डाल के रखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डल जाता है। वो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। काफी सारी मेरी वीडियो पहले भी मैंने एगलेस बंस वगैरह बनाए उसमें भी आप देखोगे कि किस तरह से मैंने इस ईस्ट को यूज किया है। प्लस ये ब्लैक पेपर पाउडर बना सकते हैं, ये क्रशर है तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप यूज कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड यू कैन ऑल्सो अवॉइड दिस ब्लैक पेपर, अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसलिए मैं क्रशर रखती हूँ ताकि इससे अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश होती है, तो मैं इसी से थोड़ा डाल देती हूँ, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो एड चिली फ्लेक्स, वो भी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये साथ में देखिए मैंने तिल लिया 1 चम्मच और ये थोड़े से गिरियां ले ली। गिरियां आप कोई भी ले लीजिए घर में, आप अपना ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बादाम काजू वगैरह छोटे छोटे कट करके उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आज ये तिल और ये गिरियां लिया। गिरियां आप खरबूजे की, तरबूजे की, जो भी गिरियां आपको पसंद है या घर में जो अवेलेबल चीज है वो आप ले सकते हैं। आप खसखस भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये तिल और ये गिरियां मैंने लिया ताकि कुछ चीजें, थोड़ी चीजें अवेलेबल होती हैं। और ये थोड़ा सा पानी मैंने लिया, ये सेम कटोरी जिसमें हमने रागी और आटा लिया हुआ है वही 3/4 कप अराउंड पानी हमने लिया है। उससे कम ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि ये जो ग्रीन्स है इसके अंदर भी थोड़ा मॉइस्चर रहता है। प्लस ये अंडा मैंने लिया, अंडा ऑप्शनल है, दैट इज फॉर ब्रशिंग लेटर ऑन जब पूरा राइस हो जाएगा, जब बेक करने से पहले। अंडे की जग, अंडा जो हम किस तरह यूज करते हैं कि अंडे को फोड़ते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा बटर मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, या फिर अंडा और पानी थोड़ा सा मिक्स करके उसकी हम ये इस ब्रश की मदद से उसके ऊपर ब्रश करते हैं। ये मैंने घी लिया, घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, बट आई प्रेफर घी। तो मैं इसके अंदर इतना घी डालती नहीं हूँ, बटर या घी, मैं जस्ट हाथ में घी लगा लगा के जस्ट टू हैंडल द डो आई ट्राई टू यूज घी और बटर ताकि वो हाथ में चिपके नहीं, उतना ही मैं घी यूज करती हूँ, अलग से मैं एक्स्ट्रा घी उसमें पोर करके नहीं डालती हूँ। तो कह सकते हैं कि आप, ये एक लो कैलोरी वाली भी ब्रेड है। प्लस ये बेकिंग डिश है हमारे पास में जो मैंने अमेजोन से मंगाई है, इट्स रियली अमेजिंग। इसमें नीचे जो है थोड़ा सा हम इस ब्रश की मदद से घी ब्रश करते हैं और उसके बाद इसमें हम बेकिंग करते हैं। ये बोल मैंने लिया है जिसमें कि अब हम डालेंगे अपना सामान। ये अंडा रख देंगे हम साइड में और ये जो बोल है इसके अंदर अब हम डालेंगे अपनी रागी पाउडर। मैंने जैसा कि आपको बताया 60-70 ग्राम दोनों चीजें आप ले सकते हैं मिक्स करके, या फिर आप थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोटल ऑफ अराउंड 150 ग्राम्स आपका ये पाउडर रहना चाहिए जिसमें कि हम ये शुगर डाल देंगे, हम ये अपना ओरिगेनो इसमें डाल देंगे, हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून इसमें डल ही जाता है। ये ग्रीन चिलीज भी हमने इसमें डाल दी है, अदरक भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और गार्लिक भी मैं डाल दे रही हूँ अगर आपके पास ऑप्शन है, इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट अवॉइड। एंड ये जो है हमने इसमें डाल दिया अपनी मेथी भी हम इसमें डाल देंगे और जो धनिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये धनिया और मेथी जो है ध्यान रखिए कि आपने धो के डालनी है। और इसी में मैं आधे तिल डाल देती हूँ या फिर पूरी भी डाल सकते हैं और फिर ऊपर से कोट करने के लिए आप अलग से ले सकते हैं। मैंने आधे तिल डाल दिए इसमें और आधा जो है नट्स भी हम इसमें डाल देते हैं। आप, मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट्स भी आप यूज कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसमें कितना, मैंने इसमें एग्जैक्टली 4 ग्राम्स लिया है। ये चम्मच से आप देख सकते हैं, इस चम्मच से ये 3/4 चम्मच ये ईस्ट है। अब हमारा जो इस ईस्ट के डब्बे को आप हमेशा बंद कर दीजिए, मैं इसको हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ एक बर्तन निकाल के डिब्बे में। और इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला नहीं है, पर इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज पुट इट। अब इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी हम इसको हाथ लगाना हमें बहुत जरूरी है, बिना हाथ के ये काम नहीं होगा, तो वी नीड टू यूज अवर हैंड्स भाई। तो ये देखिए ये इस तरह से पाउडर बन गया, इसमें इतने ज्यादा कोई अभी बाइंडिंग हुई नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये जितना मैंने लिया था उतना मैं डाल देती हूँ, 3/4 कप, तो अप्रोक्सीमेट उतना तो हमेशा लग ही जाता है जो मेरा अंदाजा हमेशा से है। ये देखिए ये लेकिन अभी भी ड्राई लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर दूंगी और इसको एक रोटी के डो की तरह हम इसको बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस
इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल जैसे सॉफ्ट रोटी का आप लगाते हैं आटा, ये भी अभी भी मुझे हार्ड लग रहा है क्योंकि पानी की मात्रा इसमें चेंज इसलिए हुई है क्योंकि ये आटा और रागी है। अगर मैदा होता है तो कम पानी लगता है, लेकिन अगर आटा डाला है आपने तो थोड़ा पानी ज्यादा लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेट मैं जो बता रही हूँ कि ये पूरा जिस कटोरी से आपने आटा और रागी लिया ये पूरा पानी उस कटोरी भर के लग जाएगा इसमें। इस डो को आपने अच्छे से मलना है, अच्छे से इसको, जिसे कहते हैं ना आटे को हम मुक्की देते हैं उस तरह से, या फिर हथेलियों से इस तरह से आप इसको इस तरह से दबा दबा के भी परात में कर सकते हैं, पर अभी हम इसको इसी में ही कर लेते हैं इतने बर्तन के आज जूठे करने, वरना परात में डाल के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको इस तरह से हम अच्छे से नीट कर लेंगे करीबन 5 मिनट। ये आप देख रहे हो ना हाथ में चिपक रहा है, तो इसीलिए अब ये जो है घी का काम आता है, बहुत ज्यादा नहीं, देखिए थोड़ा सा घी मैं ले रही हूँ और इसी तरह से हाथ में लगा लगा के इसको, इसी घी को ही, घी या बटर आप लेके इसको मल सकते हैं। इसी तरह 5 मिनट आप हल्का हल्का घी का हाथ लगा लगा के इसको मलते रहिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये आटा हमने मल लिया है, रागी और आटे का जो है डो बना लिया है, ये देखिए इस तरह का हो गया है। अभी हमने क्लीन रैप से इसको कवर करके राइज होने तक के लिए रखेंगे। इट विल टेक अराउंड, अभी मौसम ठंडा है तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं इसको डबल होने में, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ क्लीन रैप से और इसको एक थोड़ी वार्म जगह पे रख देते हैं। वार्म जगह यानी कि आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, दैट्स अ बेस्ट आइडिया। ये मैंने क्लीन रैप से इसको, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर कर दिया है। अब इसको हम रख देंगे बिल्कुल डबल होने तक, मतलब डबल नहीं तो 3/4 राइस तो ये हो ही जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ये कितना है, जब ये फूल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये काफी मात्रा में बढ़ जाता है। और ये चीजें हम अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इनका टाइम है, अभी काफी टाइम लगेगा इनको यूज करने के लिए। ये ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया मुझे इसको रखे हुए, तो अभी ये देख सकते हो आप ये डबल हो गया है पहले से, और इसमें आपको दिख रहे हैं कि जाली जाली भी दिख रही है आपको, इसने अपना पूरा काम कर लिया है। अब इसको हम खोलेंगे, इसको खोल के आप देख सकते हो। अब आपने थोड़ा सा जो है हाथ में आपने इस तरह से घी लगाना है, घी या बटर आप लगा सकते हो, और इसको इस तरह से दबा के आप इसको फिर से थोड़ा इसको हमने नीड करना है अच्छे से, इसको इस तरीके से आपने करीबन 5 मिनट आप इसको थोड़ा थोड़ा हाथ में घी लगा लगा के, हल्का हल्का सा घी या बटर आप लगा लगा के इसको इस तरह से नीड कर दीजिए इसी बर्तन में। ये अगर आपको लगे कि अभी भी थोड़ा स्टिकी लग रहा है आपको, ऑयल या घी लगा के भी नहीं हो रहा है, तो ये मेरे पास रागी पाउडर है जो मैंने डिब्बे में डाल के रखा है, ये थोड़ा सा हम ले करके इसके ऊपर 1 चम्मच स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारे हाथ से ये हैंडल करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हमको। ये देखिए इस तरह से अब ये आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं क्योंकि हम बहुत ज्यादा तेल घी नहीं यूज करना चाहते हैं, तो हमने ये थोड़ा सा ड्राई वाला रागी पाउडर लेके इसको मैनेजेबल कर लिया है। ये हमने देखिए इस तरह से डो इसका नीड कर करके 5 मिनट कर लिया है। अब हम ये बेकिंग डिश लेंगे, बेकिंग डिश में हम थोड़ा सा घी या बटर इस तरह से साइड्स में और नीचे लगा देंगे ब्रश की मदद से इस तरह से। और अब जो है हमने क्या करना है, ये जो हमने डो लिया है इसको हमने थोड़ा बेलना है, तो बेलने के लिए हमने या तो रागी या तो आप आटा ले सकते हैं उसके ऊपर इस तरह से, जैसे आप रोटी में सूखा आटा लगाते हैं उसी तरह से इसको लेके आप बेलने से थोड़ा इसको इस तरह से बेल दीजिए। ये बेलने के बाद आपने इसको इस तरह से रोल करना है, ये देखिए इस तरह से आप इसको रोल कर देंगे, और उसके बाद एक कटिंग या चाकू या आपके पास कुछ कटर है, ये इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया, और इसको हम इस तरह से अभी इसके छोटे छोटे इस तरह से कटिंग कर लेंगे, पूरे पोर्शंस छोटे छोटे बना लेंगे, मतलब थोड़े इवन साइज में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अभी करेंगे और इस पूरे के पूरे इस लोफ को उठा करके जो है हम इस टिन में रख देंगे, ये पूरा उठा के हम इस तरह से इस टिन में रख देंगे और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और अब इसको वापस हम
जस्ट सेव करने के लिए हम जो क्लीन रैप मैंने लगाई थी पहले डो में, वही क्लीन रैप में इसमें लगा के इसको वापस रख दे रही हूँ। इसको अगेन वी हैव टू कीप इट फॉर 1 आवर ताकि ये राइज हो जाए, डबल हो जाए। किसी भी वार्म प्लेस में इसको हम रख देंगे। अभी ये इस तरह से अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा पास पास हो गए तो आप इस कटर की मदद से, इसको डिवाइडर की मदद से इस तरह से फिर से एक बार ये आप इस तरह से कट कर सकते हैं और फिर इसको क्लीन रैप से हम इसको रैप कर देंगे इस तरह से और अब रख देंगे वापस 1 घंटा राइज होने के लिए। सो नाउ ये देखिए, अब 1 घंटा हो गया था तो अब आपको दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं कि ये थोड़े साइज इनका बड़ा हो गया है, ये डबल हो गया ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं आप इसको, इसमें फर्मेंटेड, जो फर्मेंटेड नहीं है, जो ईस्ट की वजह से जो आपको दाने ऐसे होल होल दिख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ईस्ट। तो ये अब ऐसे हो गया। अब ये काम है इन सब चीजों का। वैसे मैंने ये एग और पानी लिया है, यू कैन अवॉइड एग एंड वाटर, यू कैन टेक जस्ट प्लेन मिल्क। तो चलिए हम मिल्क ही ले लेते हैं ताकि पूरा ही एगलेस हो जाएगा, पर ऑप्शन है। अगर आपको अंडा खाते तो आप एग वॉश इसको कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है। ये मैंने दूध ही ले लिया है, अंडा हटा दिया है, तो हम दूध से ही इसको जो है ब्रश करेंगे। मीनवाइल मैंने ओवन को भी 180 या 190 डिग्रीज पे प्री हीट करने आप उसको रख दीजिए। और ये जो मिल्क है, इस तरह से ब्रश लगा के इस तरह आप इसके ऊपर ब्रश करिए ताकि जब आप ये इसकी बेकिंग होती है तो ऊपर बहुत अच्छा जो है इसका कलर आता है। ये इस तरह से हमने सारा इसको कोट कर देना है अच्छे से मिल्क के साथ। ये मैंने इसको पूरा अच्छे से देखिए कोट कर दिया है मिल्क के साथ में। और ये कुछ चीजें जो हमने पहले इसमें सीड्स और तिल डाले थे वो भी हम इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे पूरे के ऊपर। ऊपर डालने के लिए आप ड्रिजनिंग के लिए कुछ भी चीज ले सकते हैं, आप तिल ले सकते हो, आप खसखस ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कोई भी आपको चीजें रंग बिरंगी, जैसे कि आप रेड चिली फ्लेक्स ले सकते हो। ये सीड्स भी हम इस तरह से डाल देंगे, देखें कि हर एक पीस पे थोड़े थोड़े तो आए। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी रोजमेरी मैंने ली है, वो भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जब ये बेकिंग हो जाती है तो रोजमेरी जो है, रोजमेरी काफी क्रिस्प हो जाती है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये कुछ बेसिल लीव्स है जो मैंने छोटे से पॉट में घर में लगाई है, तो वही मैं तोड़ के लाई हूँ। तो इसकी एक एक पत्तियां तोड़ के जो है हम एक एक पीस के ऊपर इस तरह रख देंगे। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका रंग हो जाता है। अगर आपको इसको और थोड़ा कलरफुल बनाना है तो अगर आपके पास टमाटर कटे हुए पड़े, नहीं भी कटे हुए तो थोड़े से लंबे लंबे स्लाइस कर लीजिए या छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, थोड़ी कैप्सिकम लंबी लंबी काट लीजिए, थोड़ी कैरेट डाल लीजिए। तो एक एक छोटा छोटा जो पीस है वो इस तरह से हम ये भी लगा सकते हैं ताकि जो इनका कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा ये अभी बेक होने के बाद। ये ऑरिगेनो है, हमने पहले भी डाली थी और थोड़ी सी हम इसके ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इस तरीके से। मीनवाइल जो है ओवन हमारा 180 टू 190 डिग्री में जो है वो प्री हीट हो रहा है। एटलीस्ट 10 मिनट्स इसको प्री हीट होने दीजिए। अगर आपके पास ऑलिव ग्रीन एंड ब्लैक वो भी आप इसके ऊपर स्लाइस करके डाल सकते हैं, गोल वाले अगर वो हैं स्लाइस तो वो डाल दीजिए। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका रंग आ जाता है। बेक होने के बाद थोड़ा रंग चेंज होगा और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी जो है ब्रेड बनके तैयार होगी। प्लस जो हमने बीच में इसके स्लाइसेस किए थे वो हल्के हल्के कहीं आपको दिख रहे हैं कि इसका पोर्शंस है, तो वो जब बेक होने के बाद थोड़े से और पोर्शन उनका वाइड हो जाएगा तो हम उसको आराम से तोड़ सकेंगे। तो अब इसको हम जो है बेकिंग के लिए रख देते हैं। इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू बेक, मे बी अराउंड 12 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द ओवन, आपका कैसा ओवन है, हीट कैसी होती है उसमें, टेम्परेचर जो है अलग अलग ओवन का अलग अलग भी होता है। तो मेरे ओवन के हिसाब से इट टेक्स अराउंड बिटवीन 12 to 15 मिनट्स कुक होने के लिए। अगर आप इसमें फ्लेक्स सीड्स डालना चाहते हैं तो आप फ्लेक्स सीड्स भी डाल सकते हैं, ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं इसमें आप ऊपर से। ये मैं इसको ओवन में रख रही हूँ, ये सेंटर वाले पोर्शन में हमने प्लेट रखी है, जो वायर रैक होता है उसके अंदर हम ये ट्रे रख रहे हैं। और ये कुछ चीजें जो हम रेडी रखेंगे, जैसे कि ये घी जो हमारी डिब्बी किचन की होती है हमेशा, वो घी और ये ब्रश जो दूध वाला था वही मैंने रखा हुआ है। और ये टावल है, टावल को हम अच्छे वाले पानी से जो है गीला करके निचोड़ के रखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी जब इसका ये हमको काम आएगा, जो प्रोसेस जब हम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो रुके रहिए, जरा देखिए कि जब बेक हो जाएगी ये ब्रेड तो मैं क्या करूंगी। सो इट्स नाउ 15 मिनट्स, हम इसको अब जो है ओवन में से निकाल लेते हैं। एक रेक यहाँ रखा है मैंने, इसके ऊपर मैं रख दूंगी इसको। और मैंने आपको जो बताया था कि हमने ये घी लिया है और ये ब्रश लिया हुआ है, ये गरम गरम जो हमारी ब्रेड बनी है इसके ऊपर हम इस तरह से
घी या फिर आप बटर भी ले सकते हैं इस तरह से। इसके ऊपर फटाफट आपने गरम गरम में इसको इस तरह कोट कर देना है। इससे क्या होता है, ऊपर का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन ये आप देख रहे हो, ये इतना ज्यादा रेड कलर नहीं आया। एक तो मैंने अंडा नहीं लगाया था इसमें, हमने मिल्क लगाया था इसलिए बहुत ज्यादा कलर नहीं आया है। और दूसरा ये जो है मैदे की नहीं है, ये रागी और आटे की ब्रेड है, तो इसलिए इसका कलर उतना उस तरीके का नहीं आया। और ये जो मैंने आपको बताया गीला कपड़ा मैंने लिया है, गीला कपड़ा इसके ऊपर हम इस तरह से कवर कर देंगे, टच नहीं करेंगे ब्रेड को, ऊपर से इस तरह से कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ब्रेड जो है वो ठंडी भी हो जाएगी और उसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाएगी। अभी जैसे कि आप देखोगे कि थोड़ी हार्ड होती है ब्रेड ये, लेकिन जब ये गीला कपड़ा इसके ऊपर से डाल देते हैं, 5 मिनट रखेंगे, तो ये ब्रेड काफी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। ये 5 मिनट हमारे हो गए हैं, 4 से 5 मिनट, इसको हम हटा देंगे अब इस टॉवल को। और ये देखिए, ये जो ब्रेड है जो हमने इस कटर की मदद से, इसको देखिए आप, इसके आपको थोड़े भाग भी नजर आ रहे होंगे, ये देखिए। तो ये जो भाग है ना, इसके ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा फिर से, अगर आप चाहें इसको इस तरह कट कर सकते हैं, नहीं तो कट ना भी करें तो भी ठीक है। जब आप इसको उठाएंगे तो ये इसके जो इस तरीके से पोर्शंस ऑलरेडी हमको दिख ही रहे हैं, देखिए। तो इसको अभी हम अगर हम पलट के मैं आपको दिखाती हूँ तो ये कैसी है, ये देखिए, ये पीछे से इस तरह की ब्रेड बनी है हमारी, ये देखिए। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी, अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी, ये बहुत ही गर्म है, ये देखिए। इस तरह से हमारी रागी और वीट की जो है बहुत ही यम्मी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस ब्रेड बनी है। अच्छा, इसके अगला एक और प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर का ये जो डिब्बा है, इसके अंदर एक जाली है, अगर आपको इसको टोस्ट करके खानी है तो इस ब्रेड के आप ये पीसेस, ये जो पोर्शन है, ये करिए आप, चाहे आप इससे कर लीजिए, चाहे आप चक्कू से कर लीजिए। इस ब्रेड की हमने स्लाइसेस कर लिए हैं, और ये जो हमने लिया है अपना एयर फ्रायर, तो एयर फ्रायर में ये जो जाली होती है, इसके अंदर हम ये स्लाइस इस तरह से रख देंगे, ताकि इनको हम जो है टोस्ट कर लेंगे। अभी जितने आपको चाहिए आप उतने ही रखिए, और इसको एयर फ्रायर में रखिए, इसको आप रखिए 200 डिग्रीज पे, और टाइम सेट करिए इसका आप करीबन 4 मिनट भी चलेगा, या 5 मिनट आप रख सकते हैं, और इसको ऑन कर दीजिए। और अब जो है, ये जो हमने ब्रेड बनाई थी, ये थोड़ी बिल्कुल टोस्ट नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी क्रिस्प हो जाएगी। ये हॉट, ये जो है हमारा एयर फ्रायर, इसमें से हमने निकाल लिया है, मैंने 5 मिनट इसको रखा था, तो ये देख सकते हो आप ये कैसा हो गया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर बटर भी लगा दिया था, और ये प्लेट हमने ऑलरेडी रेडी रखी हुई थी भाई, इसी में हम ये जो है अपना सेट कर देंगे, हमने जो बनाई है रागी और आटे वाली ब्रेड। तो आप देख सकते हो ये कितनी बढ़िया न्यूट्रिशियस जो है ब्रेड बनी है, रागी और आटे से, रागी का आटा और होल व्हीट आटा और कुछ ग्रीन्स मिला के हमने ये बनाई है, बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेड, जिसको आप सूप के साथ भी खा सकते हो, आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो, अगर आप चाहिए हरी चटनी के साथ या मेयोनीज के साथ, किसी के भी साथ इसको खा सकते हो। अगर आप एयर फ्रायर में ना करें, आप डायरेक्टली भी इसको गरम गरम बेक करके खा सकते हैं। तो ये जो आपने अगर बनाना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मुझे बताइए कि आप मेरी जो रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, आपने बनाई है तो कैसी लगी सबको। सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़।